G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है।
जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।